बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको कैपेचिनो कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। बहुत ही कम बजट में आप इसको घर में बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, बाजार से होटल्स में बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है ये, तो आप इसको सस्ते में घर में बनाकर ईजीली पी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप मैंने ली है कॉफ़ी, नेस्कैफे की कॉफ़ी मैंने यूज़ की है। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 कप मेरे पास है चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, परफेक्ट रेशो है ये। और 1/4 कप ही मेरे पास है नीम गर्म पानी, आप देख सकते हैं इसमें से पानी में से धुआं निकल रहा है, ठीक है। एक बाउल लिया है मैंने, चीनी ऐड करेंगे, कॉफ़ी ऐड करेंगे। मैं इसको बीटर की हेल्प से बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें गुनगुना पानी यानी कि नीम गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको हैंड विस्क की हेल्प से बनाएंगे तो आपने बिल्कुल गर्म गर्म पानी लेना है, ठीक है। पानी आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसको मैं बीट करूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 5 से 7 मिनट इसको मैं बीट करूंगी, ठीक है। अगर आप हैंड विस्क से बनाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा और रिजल्ट लेकिन सेम आएगा, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कॉफी का कलर चेंज हो रहा है, गोल्डन ब्राउन जब इसका कलर होगा प्यारा सा, तो हम इसको बंद कर देंगे जब कॉफी हमारी क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक हो गया। ये देखिए कॉफी का कलर चेंज होता जा रहा है, मजीद इसको बीट करेंगे, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मजीद बीट करूंगी। इसको बंद कर देंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको मैंने बीट किया। और आप ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कॉफी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको आप 2 हफ्तों तक एयर टाइट कंटेनर में डाल के यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉफी बिल्कुल हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है, कैसे थिक और क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है, ये देखिए। मैं आपको स्पून की हेल्प से भी चेक करवाती हूँ, ये देखिए, ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। पैन में मैंने लिया है 2 कप दूध, इसको हम उबाल आने देंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, अब हम विस्क की हेल्प से इसको इस तरीके से फेंट लेंगे। इसमें हमने झाग फॉर्म करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको फेंट लेंगे 1 से 2 मिनट। इससे यह है कि कॉफी का टेस्ट जो है ना वो और भी डबल हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने बॉइल किया था और फ्लेम लो कर दी है, और इसको हम फेंकते जाएंगे साथ के साथ ही इस तरीके से, ताकि इसमें झाग फॉर्म हो जाए। 1 से 2 मिनट हम इस प्रोसेस को करेंगे। ये देखिए दूध में झाग फॉर्म हो चुकी है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 कप लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉफी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 2 टेबलस्पून हो गए। अब आपने ध्यान से देखना है कि हमने इसमें मिल्क कैसे ऐड करना है, ठीक है। ऊंचाई से हम इसमें दूध डालेंगे, ऊंचा करके इस तरीके से, ये देखिए। ये देखिए मिल्क आपने ऊंचा करके इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसे झाग फॉर्म होती है और बहुत ही मजे की कॉफी लगती है। अब एक स्पून है छोटे वाला मेरे पास, और हम इसको जस्ट सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ऊपर ऊपर से मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा घुमाएंगे बस, ठीक हो गया।
और लीजिए कैपेचिनो कॉफी हमारी बनके तैयार है, बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल होटल्स जैसी रेस्टोरेंट जैसी। आप इसको सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं। मैं आपको क्लोज चेक करवाती हूँ, ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सस्ते बजट में मैंने आपको कॉफ़ी बनानी सिखाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।